किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे, कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हितैषी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, दलहन की खरीद वर्ष 2004-05 से 13-14 तक केवल 6 करोड़ मीट्रिक टन थी, 6 लाख मीट्रिक टन, केवल 6 लाख मीट्रिक टन, जो बढ़कर अब 1 करोड़ 67 लाख मीट्रिक टन हो गई है। ये घटिया लिया सुबह। माननीय सभापति महोदय, तिलहन की खरीद जब इनकी सरकार थी केवल 50 लाख मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 87 लाख मीट्रिक टन हो गई है। माननीय सभापति महोदय, ये बड़ी बातें कर रहे हैं प्रमोद जी, धान के खरीद के लिए जी, प्रमोद जी न्यूनतम सब क्या तरीका है, कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को सुनिए। माननीय सभापति महोदय, फिर देखिए किसान को, इनको इनको क्या है कि कोई ऐसी चीज आनी चाहिए कि मैंने पार्टिसिपेट किया। अरे साहब, किसान का मामला है, मेरा तो जीव होता है। मैं जानना चाहता हूँ मंत्री जी से, आप कितना अच्छा सुझाव दिया। एक सुनिए, आज के प्रश्न का सबसे बड़ा फायदा है कि एक माननीय सदस्य ने चाय और कॉफी के बारे में इतनी गंभीर बात कही है जिसका नतीजा निकलेगा। मैं सार्थक चर्चा चाहता हूँ। बैठिए, हाँ बैठिए। हाँ माननीय मंत्री, माननीय सभापति महोदय, कपास की गांठ ये खरीदते थे केवल 26 लाख, हमने बढ़ाकर 31.17 लाख कपास की गांठ खरीदी है। और माननीय सभापति महोदय, संस्थागत ऋण इनके समय ऊंचे ब्याज की दरों पर मिलता था, केवल 7.3 लाख करोड़, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 25 लाख करोड़ रुपए संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, जब इनकी सरकार थी, धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित किसान केवल 78 लाख थे, अब बढ़कर 1,03,82,248 हो गए। और माननीय सभापति महोदय, गेहूं के खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होने वाले किसान केवल 20 लाख थे, जो 22,69,263 हो गए। और माननीय सभापति महोदय, मुझे इजाजत दीजिए, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर, यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं, इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है, इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानी शरद पवार जी का जवाब,
जो सरकार में मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि सरकार सीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता और उन्होंने इनकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की विविधता पर विचार करते हुए की जाती है। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय मैं रखता हूँ, लेकिन कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में स्थापित न की गई सिफारिश, जब ये सिफारिश की गई कि एमएसपी उत्पादन की भारत औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए, कैबिनेट नोट में ये लिखा, एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा संबंध घटकों की किस पर विचार करते हो बस्तीपूरक मानदंड पर की जाती है, अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में एमएसपी व उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज प्रति उत्पादक हो सकता है, इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पटल पर रखता हूँ, बचा के रख लो, ये ले जाओ, ये दे दें, दे दिए वो दे दिए, ये भी दे, ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं, ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे, कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हितैषी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। बंसीलाल गुर्जर आजकल सप्लीमेंट्री, नथिंग इज गोइंग ऑन। माननीय सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री जी से, जैसे उन्होंने कहा है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि 2004 से 2013-14 के बीच में दलहन की खरीदी कितनी की गई और 2014-15 से 2024 के बीच में दलहन की खरीदी कितनी हुई है? क्या सरकार ने देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक की प्रगति क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, बंसीलाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं फिर ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 2004-15 से 2013-14 के बीच में केवल 6,29,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदी जाती थी और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, 1,70,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीद रहे हैं, 25 गुना ज़्यादा खरीद रहे हैं। और आदरणीय माननीय सदस्य बंसीलाल जी ने कहा है, वो विद्वान कृषक हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस बार हमने तय किया है कि मसूर, उड़द और तुअर पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी जाएगी। चिंता ना करें, देश का किसान दलहन ना करे, हम खरीदने का काम करेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.